अरे पीहू बेटा जरा इधर आना। क्या है मम्मी? अरे बेटा जरा किचन से अमरूद लेके आना। लाती हूँ। और पीहू इतनी आलसी थी कि अमरूद लाने के लिए उसने एक साल निकाल दिया। लो मम्मी अमरूद। अरे बेटा पूरा एक साल लग गया अमरूद लाने में, यहाँ पेड़ हो गया अमरूद का। ये है आलसी लड़की। हाँ हूँ मैं आलसी। इस आलसी लड़की के लिए वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं इसकी फास्ट बहन से। बेटा पानी देना जरा। अभी लाई मम्मी। बेटा सब्जी। मम्मी चाय। और ये इतनी फास्ट है कि पूछो मत। हाँ तो मत पूछो, वीडियो को लाइक कर दो। ये सब मैं बोल चुकी हूँ, चलो सुनो। सब सो रहे हैं। चोर मास्टर गोगो करेगा चोरी और भरेगा अपना बोरी। मैं चोर हूँ। चोर चोर भैया इधर आओ, आपसे कुछ बात करनी है। चोर भैया ये कोई आने का टाइम है। मैं चोर हूँ ना, इसलिए रात को ही चोरी करने आता हूँ। तुम चोरी करने आए हो ना तो चोरी कर लो। लेकिन आवाज नहीं आनी चाहिए वरना मैं मम्मी को बुला दूंगी। बस फिर क्या, फिर तो चोर खुश होकर सारा सामान अपने बोरे में भर लेता है। कर ली चोरी, अब मैं निकलता हूँ। चोर भैया इधर आओ। अब क्या हो गया? नीचे तो देखो। अरे ये बैग मुझे नहीं चाहिए, स्कूल बैग मेरे किसी काम की नहीं है। देख लो शोर मचा दूंगी, पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ठीक है ले जाता हूँ इसको भी। अरे भैया ये चीज तो भूलेगा, इधर आओ। अब क्या रह गया? वो बटन दिख रहा है ना, वो लाइट का है, उससे बंद कर चले जाओ। तुम तो बहुत आलसी हो। मचाओ अभी शोर। नहीं 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 बंद करो। लाइट बंद करो। पूरी रात खराब कर दी। लाओ मेरी पॉकेट मनी दो। पर तुम्हारे पैसों से तो सामान आएगा ना। हाँ ठीक है ठीक है, चलो स्कूल जाओ। लेकिन मेरा बैग भी तो चोरी हो गया था ना, स्कूल क्या खाली हाथ जाओ? बैग चोरी हुआ है ना, बुक्स तो चोरी नहीं हुई। ये लो नया बैग और जाओ स्कूल। स्कूल से छुटकारा नहीं मिल सकता। वैसे एक बात पूछनी थी आलसी, तू इतनी जल्दी रेडी कैसे हो गई? मैं लेजी हूँ लेकिन मैं क्लेवर भी हूँ। चलो रेडी तो हो गई, अब सुबह रेडी होने की झंझट ही खत्म। ठीक है चलो अब स्कूल आलसी वरना फिर से लेट करवा देगी। तो स्कूल में चल रहा है आज फुटबॉल टूर्नामेंट और टीम ए को चाहिए सिर्फ 5 गोल जीतने के लिए, लेकिन चिंता की बात यह है कि टीम बी का गोलकीपर घायल है। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है, टीम ए जीतती है या टीम बी। अरे हमारा गोलकीपर तो चला गया, अब क्या करें? अब क्या करें हम? चलो पीहू को ले लेते हैं। चलो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आलसी के पास ही चल लेते हैं।
मक्खी यार तुम भी उड़ उड़ के थक जाती होगी, मेरे नोज पर रेस्ट कर लो, वैसे भी मैं आलसी हूँ तो मैं उड़ाऊंगी नहीं। पीहू प्लीज हमारी गोलकीपर बन जाओ। क्यों? हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं नहीं बन रही। प्लीज बन जाओ। इतना कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं बैठ के गोल कीपिंग करूंगी। ठीक है तुम्हें जैसे करना है, लेकिन बस कर लो तुम। ठीक है। अरे ये कछुए की चाल वाली करेगी गोल कीपिंग। She's a lazy cow. ये डेली क्या गोल रोकेगी, इससे अच्छा तो ट्रॉफी हमें ही दे दो। अरे ये क्या, यहाँ पे पीहू ने गोल को रोक दिया है। विश्वसनीय, पीहू ने एक गोल और रोक दिया। टीम परेशान, बी टीम को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। वाओ, ये वाला गोल पीहू ने रोक दिया है। कोई भी गोल नहीं मार पा रहा है पीहू के आगे। क्या बात है पीहू, यहाँ पर पीहू घायल है लेकिन फिर भी गोल पे गोल रोके जा रही है। अरे ये कितने गोल रोकेगी? और मैच में सभी दर्शकों का इंटरेस्ट बढ़ते हुए। और ये क्या, एक और गोल रोक दिया। और यहाँ पर दर्शकों की धड़कनें बढ़ती हुई, दोनों टीम एक दूसरे की तरफ देखते हुए, क्या ये आखिरी गोल हो पाएगा? और इस गोल को भी पीहू ने रोक लिया, टीम भी जीत गई। और टीम ए के चेहरे उतरते हुए, एकदम नाखुश दिखती हुई ये टीम। तो विनिंग टीम बी को हमारे चीफ गेस्ट ट्रॉफी देंगे। अरे वाह बच्चों, क्या खेला है आपने। और भाभी सब बढ़िया? सब बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो। अरे भाभी जी, आपकी बेटी के बारे में सुना, ये तो काफी फास्ट है, पूरे काम 2 मिनट में करती है। जाओ अंकल के लिए कॉफी लेके आओ। और एक ये है, इतनी आलस की भरी हुई है ना, इसको जो काम बोल दो बीच में ही सो जाती है। ये ला क्या? ओ थैंक यू बेटा। ओह हाथ चल गया। अरे भाई साहब आपका तो हाथ चल गया। जाओ पीहू, जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। क्या है मम्मी, जल रहा है तो जलने दो। पीहू जल्दी जाओ, एक तो ये लड़की सुनती ही नहीं है। भाई साहब रुको, डॉक्टर आते होंगे, रुको रुको। जलाया किसी और ने, काम करवाते हैं। एक काम करती हूँ, फोन करने से पहले ना नींद मार लेती। अरे ये लड़की, जाओ मैं देख कर आऊँ जल्दी से। अरे मम्मी पीहू तो सो रही है, इसलिए डॉक्टर को फोन नहीं किया। क्या पीहू, तुम अभी तक सो रही हो? पीहू इतना आलस भी ठीक नहीं है पीहू, तुम्हारी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। बेटा कभी तो इस आलस को छोड़ के अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करने की कोशिश करो। पीहू ये तुम्हारा लास्ट बार है, अगर फिर से तुमने ऐसी कोई गलती करी ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सॉरी मम्मी, अब कभी नहीं होएगा ऐसे। ठीक है। और यहाँ मम्मी ने अंकल के हाथ पे मलहम लगाकर उसे ठीक कर दिया और पीहू ने वादा करा कि वो आगे से कभी आलस नहीं करेगी।